हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं पशुपालकों की बीमारियों के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर ही पशुपालकों को एक समस्या देखने में आती है, जिसमें कि पशुओं के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि पशु है उनकी आंखों में गीड़ आनी स्टार्ट हो जाती है, उनका पेट लटकना स्टार्ट हो जाता है। पशु निराचारी बहुत खाते हैं, परंतु उसके बावजूद भी पशु को लगता नहीं है। या इसके अलावा जो मेन चीज देखते हैं कि पशु को इतना ज्यादा खाने पीने के बावजूद भी पशुओं को बाज पर की समस्या रहती है, पशु बार बार फुर जाता है। तो इसके लिए आज हम रिव्यू करेंगे एल्बोमार की। दोस्तों, जो एल्बोमार है वो मार्केट के अंदर वीरबैक एनिमल इंडिया हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अवेलेबल करवाई जाती है। इसकी जो पैकिंग है वो 30 ml, 60 ml, 90 ml, 120 ml और 500 ml की पैकिंग के अंदर अवेलेबल होती है। दोस्तों, जो एल्बिंडा जो साल्ट है वो लगभग 40 साल से, यानी 1970 के अंदर आया था, और लगभग 40-41 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पेट के अंदर किसी प्रकार के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कीड़े हो, राउंड वॉर्म हो, टेप वॉर्म हो, लंग वॉर्म हो, या इसके अलावा L4 तक के लार्वा हो, तो सभी के अंदर काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, एक चीज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि आपको एल्बिंडा जो साल्ट है प्रेग्नेंट पशुओं के अंदर नहीं देना है। कोई भी प्रेग्नेंट पशु है, प्लीज उसको देने से पहले आप ध्यान दें कि उनको नहीं देना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके विड्रॉल पीरियड के बारे में। दोस्तों, जो अपने एल्बिंडा जोल है उसका मीट के अंदर विड्रॉल पीरियड है, जो इसका असर है, अगले 28 दिन के अंदर रहेगा। और मिल्क है या एग है उसके अंदर जो एल्बिंडा जोल है उसका असर अगले 7 दिन तक आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एल्बिंडा जोल की डोज के बारे में। दोस्तों, जो बड़े पशु है उनके लिए जो स्टैंडर्ड डोज होती है वो 10 mg ईच 10 किलो बॉडी वेट के अनुसार दी जाती है, और जो शीप होती है उनके लिए इसकी जो स्टैंडर्ड डोज होती है वो 7.5 mg ईच किलो बॉडी वेट के अनुसार दी जाती है। बाकी आप वजन के अनुसार इसकी डोज कम या बढ़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं एल्बोमार की, जो इसका देने का तरीका होता है वो 60-90 ml बड़े पशु को, गाय भैंस को, अगर ज्यादा बड़ी गाय है या भैंस है उसको हम 120 ml तक दे सकते हैं, या अगर छोटे बच्चे हैं उनको 15-30 ml देते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं। इसके अलावा आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई भी रिव्यू चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।